चलो किट्टू खाना खाते हैं। चलो तुम लोग जाओ, मुझे भूख नहीं है। क्या हुआ किट्टू, ऐसे कब तक बैठे रहोगे? हाँ चलो। देखो मैं सच कह रहा हूँ, मुझे भूख नहीं है, मैं यहीं पर ठीक हूँ। हम जानते हैं कि आप पर क्या बीत रही है, मगर ऐसे चुप बैठने से क्या होगा? तुम्हें क्या करने की? हाँ क्या उम्मीद करते हो तुम उससे, क्या उम्मीद करते हो? हाँ हम सब जानते हैं और तुम भी जानते हो कि एक ने एक दिन उसे जाना ही था। उसका काम हो गया किट्टू, उसका काम हो गया और वो चली गई। मैं ही जानता हूँ निशा, लेकिन बिना बताए वो ऐसी चली गई, ये मेरी समझ में नहीं आता। भैया आप क्यों नहीं समझ रहे कि सारे बड़े लोग ऐसे ही होते हैं? ये बड़प्पन छोटप्पन का क्या लेना देना निकी? ये मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन उनके समझ में आता है ना। देखो तुम लोग उसके बारे में जो भी समझो, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, ओके? और मैं उसे सिर्फ एक बार मिलना चाहता हूँ ताकि मैं उसे पूछ सकूँ कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ओके? सिर्फ एक बार। Cut it. Very nice. राकेश, yes, sir. Vaccine, जल्दी। आया सर। ये लीजिए सर। ये वो तीसरा वाला सर। ये है ना? नो सर, वो क्लाइमेक्स वाला था। अरे, हाय, कैसे हैं आप लोग? कब आए? बस अभी आए। बैठिए ना। किशोर, चेस लाना जल्दी। क्या लेंगे आप लोग? जी कुछ नहीं। चाय, कॉफी या कुछ ठंडा मंगाओ? जी नहीं। अरे कुछ तो लो। कुछ नहीं। अच्छा ठीक है। राकेश अगला सीन लाना। मैम दिस इज द सीन। आप गुस्से में हीरो को छोड़कर वापस आ गए हैं। ही फील्स गिल्टी और आपको ढूंढता-ढूंढता यहाँ तक पहुँच गया। आपको कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करता है, बार बार फोन करता है और फाइनली अब रिंग बजती है। यू टेक द कॉल विदाउट नोइंग कि ये हीरो है। जैसे ही आप उसकी आवाज़ सुनती हैं, बिफोर यू कुड से एनीथिंग, फोन गेट्स डिसकनेक्टेड। आप ऊपर देखते हैं, विलन खड़ा है। सीन एंड्स मैम। और कितने दिन रहने का प्रोग्राम है? जी आज चले जाएंगे। अच्छा मल्लिका जी, स्लाइट चेंज। तुम हीरो के घर से वापस आ गई, वो तुम्हें फोन करता है एंड यू फर्मली रिप्लाइंग बैक। ओके तुम सीन पढ़ लो। ओके शॉट लेते। चलो चलते हैं। अरे तुम लोग इतनी जल्दी जा रहे हो? हाँ और भी कहीं जाना है। ऐसी बात है तो फिर ठीक है, चलो मैं बाहर तक छोड़ने आती हूँ। बाय निकी। निशा तुम्हारी और किटू की शादी पर मुझे जरूर बुलाना। बाय किटू। गाड़ी रोको। एक्सक्यूज मी मलिका जी, कहाँ है मलिका जी? उस तरफ मेकअप रूम में। Thank you.
मालिका किटू क्या हुआ किटू तुम यहाँ क्यों आए हो किटू लेकिन बात क्या है मालिका कुछ नहीं कुछ भी तुम लेकिन तुम रो क्यों रही हो मालिका किटू तुम प्लीज जाओ यहाँ से मुझे जाना है मालिका जब तक तुम मुझे ये नहीं बताओगे कि तुम रो क्यों रही हो मैं तुम्हें जाना नहीं दूंगा किटू प्लीज मेरा हाथ छोड़ो मैं नहीं छोड़ूंगा किटू मेरा हाथ छोड़ो चले जाओ यहाँ से लेकिन मैंने किया क्या है मालिका तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो मेरा कसूर क्या है तुम्हारा कोई कसूर नहीं है किटू किसी का भी कोई कसूर नहीं है सारा कसूर मेरा है सोचती हूँ ये सब कुछ हमेशा मेरे साथ क्यों होता है पता है किटू बचपन में मेरी माँ गुजर गई उसके बाद से आज तक सिर्फ काम करती आ रही हूँ मैं अपने मामा जी उनका परिवार बस सबको सहती आ रही हूँ और फिर अचानक एक दिन तुम मिल गए किटू जिंदगी का जैसे मतलब ही बदल गया माँ के गुजर जाने के बाद पहली बार अपने आप को इतना आजाद इतना खुश महसूस कर रही थी मैं और फिर न जाने कब मैं तुमसे प्यार करने लग गई किटू फिर वहां भी पता चला कि तुम तो पहले ही किसी और के हो और निशा बहुत अच्छी लड़की है तुमसे बहुत प्यार भी करती है और मैं तुम दोनों के बीच नहीं आना चाहती मैं तो बस यही सोच रही थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है हमेशा मेरे साथ क्यों किटू आज के बाद तुम मुझसे कभी मत मिलने आना मुझसे कभी मत मिलने आना किटू क्योंकि मैं नहीं सह पाऊंगी किटू मैं नहीं सह पाऊंगी मल्लिका लेट्स टेक दिस शॉट निशा मालिका से तुमने कुछ कहा क्या यही कि तुम मुझसे प्यार करती हो हाँ तुम पागल हो गई हो क्या पागल क्या मतलब किट्टू निशा मालिका ने तुम्हारी सारी बातों को सच मान लिया मैं समझ नहीं रही किट्टू क्या अरे क्या नहीं समझे मालिका समझे कि तुम मुझसे प्यार करती हो लेकिन ये सच है ना किट्टू मजाक बंद करो निशा तुम लोग तो जानते हो कि मैं मालिका से कितना प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे प्यार करती है हमें सच कह रहा है वो भी मुझसे प्यार करती है उसी ने मुझे बताया और मेरे सपने में भी नहीं सोचा था कि वो मुझसे प्यार कर सकती है और वो मेरी हो सकती है और इसकी एक बेवकूफी की वजह से सब गड़बड़ हो गया मालिका ये समझती कि मैं और निशा एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम लोग दोनों शादी करने वाले हैं और वो इसलिए बीच में नहीं आना चाहती अब मैं उसे कैसे यकीन दिलाऊं उसे कैसे समझाऊं कि मैं और निशा सिर्फ दोस्त है और मैं सिर्फ उससे प्यार करता हूँ निशा से नहीं वो मेरी बात का कभी यकीन नहीं करेगी निकी अब मैं क्या करूं निशा मालिका मालिका तुम्हें गलत फहमी हुई है मैं जानती हूं मैंने कहा था कि मैं किटू से प्यार करती हूं हाँ मालिका मैं किटू से प्यार करती हूं लेकिन मालिका सिर्फ एक दोस्त की तरह किटू और मैं बचपन के दोस्त हैं इस नाते हम एक दूसरे को प्यार करते हैं लेकिन जिस तरह का प्यार तुम समझती हो 24 घंटे किटू सिर्फ मालिका 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 करता रहता है अरे कौन पागल लड़की जो इससे प्यार करेगी हाँ किटू आपसे बहुत प्यार करता है आपको बहुत चाहता है मैं उसकी दोस्त हूं मेरे सिवा शायद और कोई नहीं जानता और जबकि मैं जानती हूं तो मैं उसे कैसे प्यार करूंगी हाँ किटू सिर्फ तुम्हारा है मालिका सिर्फ तुम्हारा
जानी मानी फिल्म स्टार मल्लिका की शादी पूना के कॉलेज स्टूडेंट कृष्णकांत के साथ होने वाली है। यह खबर सुनकर पूरी फिल्म इंडस्ट्री हिल गई है। कृष्णकांत ना कोई करोड़पति है, ना ही किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा है, वो सिर्फ उनके एक बहुत बड़े फैन है। मैं देव नायर, जी न्यूज की ओर से। भारतीय प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई संस्कृति सचिव श्री आर बी अय्यर कर रहे हैं। पाकिस्तान प्रतिनिधि मंडल के ऐसे क्या देख रही हो? सैयद रोशन यार, दोनों पक्ष में दोस्ताना ताल्लुकात मजबूत बताने के लिए सहमति का रास्ता तलाश करेंगे। संस्कृति से जुड़े लोगों के आसान आवाजाही के लिए वीजा की समस्या। अश्विनी की I'm not okay. अब मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे ये पूछोगे कि ऐसा मैंने क्यों किया। निकी, हर इंसान का एक सपना होता है, एक मंजिल होती है जिसे वो पाना चाहता है, और किट्टू की मंजिल हमेशा ही मल्लिका रही है। वो हमेशा से ही मल्लिका को चाहता था। हम ही पागल थे जो कभी इसे सीरियसली नहीं लिया, बस हंसी मजाक में उड़ा देते थे। और कोई लड़की होती तो शायद मैं कुछ करती। आई वुडन्ट हैव गिवन अप सो इजीली, यू नो। लेकिन निकी, मल्लिका के साथ कैसे कंपीट कर सकती हूँ? यानी तू आई स्टिल लव हिम, ओके? निशु हम्म।